नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक का डेली राउंडअप शो। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हमारी पहली खबर में हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। फीस में राहत की मांग को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी, प्रशासन का अड़ियल रवैया। झारखंड, आंदोलनकारियों की हत्या, दमन के खिलाफ संयुक्त जन अभियान। एके राय, चारों मजुमदार संकल्प सप्ताह की शुरुआत। मानसून सत्र, दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित। खराब आचरण के लिए टीएमसी सांसद शांतनु सेन सस्पेंड। अध्ययन के मुताबिक भारत में कोविड 19 की दूसरी लहर विभाजन के बाद सबसे बड़ी त्रासदी, सरकार का आंकड़े से इनकार। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र और प्रशासन एक बार फिर आमने सामने हैं। एक और छात्र हर साल लगने वाली गैर ट्यूशन फीस को कोरोना महामारी के दौर में कुछ समय के लिए माफ कर राहत की मांग कर रहे हैं, तो वहीं पर प्रशासन पूरे मामले पर अड़ियल रवैया अपनाए हुए है। छात्रों का आरोप है कि प्रशासन उनकी बात सुनना तो दूर, उनसे बात करने को भी तैयार नहीं है। अपनी मांगों को लेकर छात्र विश्वविद्यालय परिसर में लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहां तक कि धरना भी दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रहे। आपको बता दें कि छात्र पूरी फीस माफी की बात नहीं कर रहे, वे केवल कुछ समय के लिए गैर ट्यूशन फीस, जिसमें बिजली पानी शुल्क, सांस्कृतिक शुल्क, NSS, NCC शुल्क और अन्य सभी सुविधाओं की फीस शामिल है, उसमें रियायत की मांग कर रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बीते साल उन्होंने कोविड 19 के चलते विश्वविद्यालय बंद होने के कारण जिन संसाधनों और सुविधाओं का इस्तेमाल ही नहीं किया, प्रशासन उसकी भारी भरकम फीस उनसे कैसे वसूल सकता है। DU के छात्र आफताब आलम बताते हैं कि प्रदर्शन के पहले दिन से ही प्रशासन हमें डराने धमकाने की जुगत में लगा हुआ है। सबसे पहले हमें सुरक्षा कर्मियों द्वारा भगाने की कोशिश की गई, लेकिन जब छात्र नहीं माने तो सिविल ड्रेस में लगभग 70 से 80 लोग आए और हमारे विरोध को तीतर बितर करने की कोशिश में गाली गलौज और मार पिटाई करने लगे। गौरतलब है कि छात्र विश्वविद्यालय बंद होने के कारण जो पैसा बचा है उसका हिसाब भी प्रशासन से मांग रहे हैं। छात्रों का कहना है कि बीते साल न तो कोई फेस्ट हुआ और न ही कोई यूनियन इलेक्शन, ऐसे में लाखों करोड़ों की राशि का प्रशासन ने क्या किया, इस पर उनकी चुप्पी संदेह पैदा कर रही है। फादर स्टैन स्वामी की NIA की हिरासत में हुई मौत ने सत्ता संचालित राज्य दमन के खिलाफ विरोध की आवाजों को जहां निरंतर मुखर बनाया है, वहीं आंदोलनकारी शक्तियों के बीच भी एक नई एकजुटता की प्रेरणा दी है, जिसकी एक कड़ी के रूप में ही मार्क्सवादी समन्वय समिति और भाकपा माले झारखंड इकाई द्वारा पूरे झारखंड प्रदेश में 21 से 28 जुलाई तक के संकल्प सप्ताह अभियान को देखा जा सकता है। आंदोलनकारियों की हत्या, दमन पर रोक लगाओ तथा कृषि एवं सार्वजनिक क्षेत्रों पर कॉरपोरेट कब्जे पर लगाम लगाओ के केंद्रीय मुद्दे के तहत कोरोना जनसंहार की जिम्मेदार मोदी सरकार के खिलाफ साझा संघर्ष तेज करने का आह्वान किया है। संकल्प सप्ताह अभियान की शुरुआत मजदूर आंदोलनों के क्रांतिकारी प्रणेता एवं कोयला मजदूर आंदोलनों को संगठित राजनीतिक तेवर देने वाले मार्क्सवादी समन्वय समिति पार्टी के संस्थापक और झारखंड राज्य गठन आंदोलन को वाम दिशा देने वाले AK राय के स्मृति दिवस 21 जुलाई से की गई। इसका समापन भाकपा माले संस्थापक चारू मजुमदार के शहादत दिवस 28 जुलाई को होना है। इस अभियान के तहत झारखंड प्रदेश कोयलांचल व सार्वजनिक क्षेत्र के मजदूर इलाकों में दोनों वामपंथी दलों द्वारा व्यापक मजदूरों के अलावा अन्य श्रमिक वर्ग व स्थानीय ग्रामीण किसानों के साथ साथ नागरिक समाज के लोगों को मोदी राज के खिलाफ गोला बंद कर संयुक्त जनसभाएं की जाएंगी। संकल्प सप्ताह के अंतिम दिन राजधानी रांची में एक बड़ी जन गोलाबंदी के जरिए अभियान का प्रथम चरण संपन्न किया जाएगा। संसद का मानसून सत्र शुक्रवार को भी विपक्ष के विरोध और हंगामे की वजह से स्थगित किया गया। गुरुवार के बाद शुक्रवार को भी विपक्षी सांसदों के हंगामे के चलते दोनों सदनों, राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। तृणमूल कांग्रेस सहित विभिन्न दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे और फिर 2:30 बजे तक के लिए स्थगित की गई। सभापति MVNaidu ने बताया कि एक दिन पहले के अशोभनीय आचरण के लिए तृणमूल कांग्रेस के सांसद शांतनु सेन को राज्यसभा के मौजूदा सत्र में शेष समय के लिए निलंबित किया गया है। जब 12 बजे राज्यसभा की कार्यवाही शुरू की गई तो फिर से हंगामा शुरू हो गया, जिसके कारण
उच्च सदन की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे तक स्थगित कर दी गई। इस दौरान राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन ने कहा, शांतनु सेन आपसे अनुरोध है कि आप सदन से बाहर चले जाएं। आज सुबह राज्यसभा में एक मोशन पास करने के बाद आपको सस्पेंड कर दिया गया। शांतनु सेन को निलंबित किए जाने के विरोध में तृणमूल एवं अन्य विपक्षी दलों के सदस्यों ने हंगामा भी किया। लगातार हंगामा के चलते दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक स्थगित करनी पड़ी। गौरतलब है कि गुरुवार को हंगामे के बाद कारण बार बार कार्यवाही स्थगित करने की नौबत आई थी। राज्यसभा में उस समय तनाव की स्थिति बन गई जब केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस मामले पर स्टेटमेंट देने के लिए खड़े हुए। इसी दौरान टीएमसी के सांसद शांतनु सेन ने मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट का पेपर छीनकर फाड़कर उपसभापति की तरफ उछाल दिया था। आपको बता दें कि पेगासस कांड के बाद से विपक्ष हर दिन सरकार को घेर रहा है। राहुल गांधी ने आज संसद के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पेगासस जासूसी कांड की जांच होनी चाहिए और गृहमंत्री अमित शाह को इस्तीफा दे देना चाहिए। और आखिर में कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत की सभी कारणों से अतिरिक्त मृत्यु दर के 3 नए अनुमान के शीर्षक से हालिया अध्ययन के मुताबिक COVID-19 महामारी भारत में 40 लाख से अधिक की संख्या में अतिरिक्त मौतों का कारण बना है। अतिरिक्त मौतें इस बात का एक पैमाना है कि पिछले कुछ वर्षों की तुलना में अनुमान से कितने अधिक लोगों की मौत इस बीच हुई है। वॉशिंगटन स्थित थिंक टैंक सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट द्वारा प्रकाशित और भारत के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से अभिषेक आनंद और सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट के जस्टिन सैंडफर्ड द्वारा लिखित अध्ययन में कहा गया कि भारत में COVID-19 की दूसरी लहर विभाजन यानी 1947 में जो विभाजन हुआ था उसके बाद से सबसे भयानक त्रासदी साबित हुई है। लेखकों ने महामारी की शुरुआत से लेकर जून की 2021 के दौरान हुई अधिक मृत्यु दर का अनुमान लगाने के लिए 3 अलग अलग डेटा का स्रोतों का सहारा लिया है। हालांकि अध्ययन ने सभी अतिरिक्त मौतों के लिए COVID-19 को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। आज के डेली राउंडअप में बस इतना ही। न्यूज क्लिक के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए हमारी हिंदी और इंग्लिश वेबसाइट भी जरूर देखें। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। न्यूज क्लिक देखने के लिए शुक्रिया। Thank you.